हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग एकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने एम्स के एग्जाम में देखा होगा, स्टाफ नर्स एग्जाम में देखा होगा, वहाँ पे ड्रग कैलकुलेशन के बारे में पूछ लेते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपका बेसिक फॉर्मूला है, जो भी ड्रग है उसको कैसे डिवाइड करें, चाहे वो आपके लिक्विड में हो या टेबलेट में हो। ठीक है, आपको एक डॉक्टर बोल देगा कि इसमें इतनी दवाई है, लेकिन आपको पेशेंट को सिर्फ इतनी देनी है। ठीक है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे उसी के बारे में बात करेंगे। एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। ठीक है, क्लास आपकी छोटी रहेगी लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए चलते अब आगे शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए प्रिस्क्रिप्शन रीड्स टू एडमिनिस्टर एन इंट्राविनस डोज ऑफ 4 लाख यूनिट ऑफ पेनिसिलिन जी बेंजाथिन। ठीक है, एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है क्या, आईवी इंट्राविनस, क्या 4 लाख यूनिट किसकी, पेनिसिलिन गामा बेंजाथिन की। ठीक है, और जो भी क्लाइंट है उसको क्या हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था। जो भी लेबल है, एक जो भी वायल है उस पर क्या है, 10 मिलीमीटर की जो भी एम्प्यूल है वो वहां पे फार्मेसी पे अवेलेबल है। ठीक है, और उसके अंदर कितना है, 3 लाख यूनिट पर ml, मतलब एक ml में कितना, उसमें 3 लाख यूनिट है। द नर्स प्रिपेयर्स हाउ मेनी मिलीमीटर टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज। तो नर्स है वो कितना उसको प्रिपेयर करेगी एक करेक्ट डोज है उसको बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। पहले आपको 1 ml, 1.5 ml, 1.40 ml और 1.33 ml, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है। मैं बेसिक फॉर्मूला जिसकी हमेशा बात करता हूँ वो कौन सा है आपका, जिसको मैं बोलता हूँ डी गुणा वी बटे एच। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिजायर। डिजायर अपन किसको बोलेंगे, जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है, डॉक्टर बोलता है कि इतनी दवाई इसको देनी है, वो प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिजायर। तो डिजायर कितनी बोली अपने डॉक्टर ने, उसने बोली 4 लाख यूनिट, कितनी, 4 लाख यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम। और हमेशा एक चीज का याद रखना, जो भी दवाई है वो उसी के साथ में उसी की एमएल पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे है 1 ml में कितनी है, तो ये इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगर बात टेबलेट की होती तो कितनी टेबलेट है तो वो उस पर होता है। ठीक है, पर टेबलेट में कितना उसके अंदर जो भी कंसेंट्रेशन है वो अवेलेबल है उस पे बात होती है। तो यहाँ पे एम एल है, ठीक है, कितना एम एल है, तो वो एम एल यहाँ पे सिर्फ एक बताया है। पर एम एल में कितनी है, मतलब अवेलेबल कितनी है, एच या आप इसको ए भी बोल सकते हो, जिसको अवेलेबल बोलते हैं या कहीं ऐसे बोलते हैं अवेलेबल इन हैंड, तो मतलब अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल, तो अवेलेबल है आपके पास में 3 लाख यूनिट, कितनी है, 3 लाख यूनिट। ठीक है, तो अभी आपको इस फॉर्मूला के हिसाब से आप समझ गए कि आपको क्या निकालना है। मैंने क्या बोला, डिजायर क्या होता है, आपकी प्रिस्क्रिप्शन डोज होती है, प्रिस्क्रिप्शन कितना है 4 लाख, आपके पास में कितना अवेलेबल है, वॉल्यूम कितना है, वो हर एक एमएल में, देखिए यहीं पे यही है नीचे वाला, देखिए वो एमएल है वो आपको यहां से निकालना है, ये 10 ml बाकी को आपको भूल जाना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। कितने एमएल में आपकी जो भी दवाई अवेलेबल है, मतलब पर एमएल, ठीक है, या उसके अंदर जो भी आप दवाई दे रहे हो उसमें कितनी कंसंट्रेशन में अवेलेबल है, तो उसी पे आपको निकालना है। तो वॉल्यूम पर एमएल वो हो गया आपका 1 ml, 1 ml में कितनी है, 3 लाख। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी गुणा डी कितना है, 4 लाख, ठीक है, गुणा एक, ये गुणा एक का तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक तो इससे कोई संख्या नहीं निकलेगी, अवेलेबल कितना है, 3 लाख। ठीक है, अवेलेबल कितना हो गया, 3 लाख। अभी आप इसमें भाग देंगे तो आपका क्या होगा, ये इस तरीके से 4/3, तो 4/3 में भाग दीजिए तो उसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिए जैसे मैं इसमें भाग करके ऐसे आपको बताता हूँ इजी तरीके से, एकदम से एग्जाम में आप कैसे समझ सकते हो उस तरीके से, जैसे क्या हो गया, 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 4 में तो एक बार ही जा रहा है तो कितना आएगा, 1। ठीक है, इसमें कितना बचा, 1। अब 3 का इसमें भाग देंगे तो वो कितना आता है, वो आता है आपका 0.33। ठीक है, तो इसके आगे कितना लग गया, 1.33, और अपन बात किसमें करें, ml में, तो कितना हो गया राइट आंसर, वो होगा 1.33 ml। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कहीं, एकदम से इजी क्वेश्चन में बताया मैंने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, d क्या बताया मैंने, डिजायर डोज,
वी क्या हो गया आपका वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा आपके कंसंट्रेशन के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी। और ए है, ए क्या है, अवेलेबल, जो ये आपकी जो भी कंसंट्रेशन है अवेलेबल है उस दवाई में कितनी है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या है आपकी अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, इजी है, ये एक सीधी सीधी बात करूँ, ये जो भी आपके क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन मैंने सोंडर से लिए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से उधर उधर से नहीं किया, एकदम मैनिपुलेट भी नहीं किया, सिर्फ मैंने इसमें वो आपके ऑप्शन जोड़े हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर ऑप्शन देगा आपको, ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैंने ऑप्शन जोड़े हैं, बाकी के एज इट इज क्वेश्चन आपके सोल्डर्स के हैं। तो इसमें देखिए, ए प्रिस्क्रिप्शन रीड्स पोटेशियम क्लोराइड 30 mg टू बी एडेड इन 1000 ml नॉर्मल सलाइन एंड टू बी एडमिनिस्टर ओवर ए 10 hour पीरियड। द लेबल ऑन द मेडिकेशन बॉटल रीड्स 40 mg पर 20 ml। द नर्स प्रिपेयर्स हाउ मेनी मिलीमीटर्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज ऑफ मेडिकेशन। इसमें इतनी जगह पे टाइम आ रहा है, 40 mg आ रहा है, 30 mg आ रहा है, 1000 ml आ गया, तो आप कभी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें क्या पूछा है। अगर एग्जामिनर आपको ये पूछे करेक्ट डोज, तो करेक्ट डोज में इसका मतलब वो क्या है कि मेडिकेशन के बारे में पूछ रहा है, कि मेडिकेशन को आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो उसके बारे में पूछ रहा है। अगर एग्जाम बाकी के अगर IV हम देते हैं तो वो उसमें पूछ इन्फ्यूजन रेट पूछ लेता है, फ्लो रेट का नाम ले लेता है, ड्रॉप पर मिनट का नाम ले लेता है, ठीक है, या per ml में कितनी आप देंगे इस तरीके से पूछ लेता है। तो उसके क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अगर आपको सिर्फ करेक्ट डोज के बारे में पूछा है तो उसका फॉर्मूला यही है, तो मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया, डी गुणा वी बटे ए। तो डी में मैंने क्या बताया, डिजायर, डिजायर क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, ए प्रिस्क्रिप्शन रीड पोटेशियम क्लोराइड 30 mg टू बी एडेड, ठीक है, तो कितनी बताई है, 30 mg। तो यहां पे मैंने डिजायर में क्या लिखा, डी बराबर मैंने क्या लिखा, 30 mg पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने बताया था हमेशा उसके कंसंट्रेशन के साथ में वाले में देखना, तो ये है इसका वॉल्यूम 20 ml, तो वी कितना हो गया, वो हो गया 20 ml, और आपकी कंसंट्रेशन कितनी अवेलेबल है, अवेलेबल कितनी है दवाई आपके पास में, वो है 40 mg पर लीटर, ठीक है। तो ए कितना हो गया, वो हो गया आपका 40 mg पर लीटर। तो इसी तरीके से निकालिए कि डी 30 को गुणा करना है आपको किसके साथ में, वॉल्यूम के साथ में, वॉल्यूम कितना है, सॉरी, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आप एक सेकेंड, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 20, और इसमें भाग देंगे कितना, अवेलेबल का, अवेलेबल कितना है, वो है 40, ठीक है, ये बातें समझ गए। अब भाग दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, इसको एक बार इससे कट कर दीजिए, ठीक है। अब ये कितना हुआ, 30 दूनी 60, 60 में अपन भाग देंगे किसका, 4 का, तो भाग दीजिए, जैसे में 60 में इस तरीके से आप मान लीजिए कि आपको 60 के अंदर भाग देना है किसका, 4 का, तो 4 1 कम 4, यहां पे कितने बचे, 2 0, 4 5 20, तो कितना आया, 15, तो कितना होगा यहाँ पे राइट आंसर, वो होगा 15 ml, कितना हो गया, 15 ml, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 15 ml। ऐसे कर सकते हो आप आंसर, एकदम इजी वे है, ठीक है, सोंडर्स के सभी क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने बस इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। इस केस में मैं आपको नॉर्मल ड्रग कैलकुलेशन बताऊंगा, जो भी नेक्स्ट क्लास इसकी बनेगी उसमें इंट्रावीनस कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, कि फ्लो रेट है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इन्फ्यूजन टाइम है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कई बार एग्जामिनर से पूछ लेता है कि इसको per ml per hour के हिसाब से देंगे तो इसको कैसे देंगे, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपन देखते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ए प्रिस्क्रिप्शन रीड क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट 0.3 ग्राम, कितना बताया है, 0.3 ग्राम। ये यूनिट को भी आपको ध्यान में रखना है, हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ग्राम माइक्रोग्राम इनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने ml में, 50 ml नॉर्मल सलाइन में एडमिनिस्टर करनी है, IV करनी है, कितने टाइम के अंदर, 30 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। तो जो भी मेडिकेशन लेबल है, मेडिकेशन लेबल आप देखेंगे आपके पास में जो भी अवेलेबल है उसमें कितना है, 900 mg इन 6 ml, मतलब 6 ml में कितना है, 900 mg है, आपको प्रिस्क्राइब कितनी गई, करी गई 0.3 ग्राम। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है,
आप हमेशा कभी भी कैलकुलेशन निकाले तो कॉपी पेन लेके निकालना, ठीक है? दिमाग से आइंस्टीन बनने की कोशिश मत करना। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लगाना है, उससे आपको सही से आंसर आ जाएगा। वरना क्या है कि अगर दिमाग से चलाओगे तो कई बार गलत भी हो जाएगा। तो मैंने इसका फॉर्मूला एक ही बता रखा है, डी गुणा वी बटे ए। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, थोड़ा सा सोचने की बात है, डी यहाँ पे कितना है, 0.3 ग्राम। ये सबसे सोचने वाली बात है, जल्दबाजी मत कर जाना। वी क्या है, वी मैंने यहाँ पे कितना बताया, यही बताया है, कितना है, 6 ml। और ए अवेलेबल कितना है आपकी, जो भी कंसंट्रेशन की वो है आपकी 900 mg, ये mg में है। तो यहाँ पे एक सोचने की बात है, यहाँ पे ग्राम है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ग्राम में। तो इसका कितना होगा, 300 माइक्रोग्राम। ये जो 0.3 ग्राम है उसके बराबर कितना होता है, 300 mg। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, 300 गुणा V कितना है, 6, भाग कितने कह देंगे, मतलब अवेलेबल कितना है वो है आपका 900। ठीक है, तो ये देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 गुणा 3, इसको गुणा कीजिए, 6 गुणा 3, 6 6 दुनी 12, 6 3 18, ये हो गया 18। और बट्टे कितने हैं आपके, 9, तो 9 का भाग दीजिए 18 में, कितना हुए, 2। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, 2 ml, ये इसका राइट आंसर हो गया। एकदम से इजी है, सोचने समझने का कुछ ज्यादा है ही नहीं। बेसिक फॉर्मूला अगर मैंने बताया है तो ये आपको इसी तरीके से निकालना है। कंफ्यूज मत हो जाना, फ्लो रेट है, जो भी ड्रॉप पर मिनट की बाकी की बात है, वो बाकी के वो आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको सिर्फ ये बोले कि एडमिनिस्टर ए करेक्ट डोज, तो उसमें आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। डी मैंने बता दिया, वापस से रिपीट करता हूँ, डी होती है आपकी प्रिस्क्रिप्शन। जो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो डॉक्टर लिखे देता है कि भैया तुम्हें इतनी दवाई लेनी है, वो होता है प्रिस्क्रिप्शन। और वही हम क्या बोलते हैं, डिजायर, वही तो हम, जो डॉक्टर लिखेगा वही तो हम पेशेंट को देंगे, ठीक है? वी मतलब होता है वॉल्यूम, क्वांटिटी, कितनी मात्रा में है। तो कितनी मात्रा में थी, वो थी 6 ml, 6 ml में थी। और अवेलेबल कितनी है, मात्रा में कितनी अवेलेबल है उसकी कंसंट्रेशन दवाई की, वो है 900 mg, ठीक है, 900 मिलीग्राम। ठीक है, तो वो अपन ने लिख दी, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया, तो राइट आंसर कितना आया, 2 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे तो आपको जल्दी आपका एकदम जो भी क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। देखिए इसमें, अब इस बार मैं लेके आया हूँ टेबलेट को, इसमें देखिए, ए प्रिस्क्रिप्शन रीड्स लेवोथायरोक्सिन टेबलेट है वो दी जा रही है, कितनी, 150 mcg ओरली। ये क्या है, प्रिस्क्राइब की गई है, मतलब डॉक्टर ने लिखी है कि पेशेंट को इतनी देनी है। द मेडिकेशन लेबल रीड्स, और आप मेडिकेशन की जो भी लेबल है उसमें देखते हो कि उसकी हर एक जो भी टेबलेट है उसमें कितना अवेलेबल है, 0.1 mg, कितना है, 0.1 mg। तो आप बताइए कितनी टेबलेट है जो भी पेशेंट है उसको देंगे, कितनी देंगे, 1 देंगे, 1.5 देंगे, 2 देंगे, या 2.5 देंगे। 1.5 का मतलब होता है एक टेबलेट और प्लस में आधी टेबलेट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं आम भाषा में डेढ़ टेबलेट, ठीक है? तो इसको उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, डी गुणा वी बटे ए। तो इसमें आपको ये देखना है कि डी कितना है, तो डी कितना बताया है वो है 150 mcg, ठीक है, माइक्रोग्राम। और इसमें देखिए वी कितना है, वी यहाँ पे मतलब टेबलेट, सिर्फ टेबलेट लिखा, मतलब एक टेबलेट में कितना है, तो यहाँ पे हम वी को कितना कैलकुलेट करेंगे, 1, ठीक है, एक ही टेबलेट। और कितना है उसमें जो भी ए है, तो ए कितना है, ए इसमें है 0.1 mg। यहाँ पे भी आपको देखना है कि यहाँ पे एमसीजी दिया है और यहाँ पे एमजी दिया है, समझ रहे हो? तो एमजी को कम आपको किस में कन्वर्ट करना है, एमसीजी में। तो इसका कितना हो गया, वो हो गया 100 mcg, कितना हो गया, 100 mcg। अब कैलकुलेट कीजिए, 150 आपका डिजायर कितना हो गया, 150, वॉल्यूम कितना है, 1, और इसमें भाग कितने का देंगे, 100 का, ठीक है? तो कितना आया देखिए, 150 में भाग देंगे अपन किसका, 100 का, तो 150 में भाग देंगे 100 का, तो कितना होता है, 1.5, ठीक है, 100 एकम 100, 1 हो गया। और फिर आगे क्या है, आधा है, तो वो क्या हो गया, आधा, 0.5, तो 1.5 टेबलेट, यहाँ पे टेबलेट की बात है, ठीक है, ml वगैरह मत कर देना, 1.5 टेबलेट। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, बी, ये इसका राइट आंसर हो गया।
मैंने आपको एमएल और टेबलेट दोनों के बारे में बता दिया है, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, एकदम इजी लेवल में आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो हमने छोटा ही रखा है कि आपको जो भी चीजें वो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रिस्क्रिप्शन है वो मॉर्फिन सल्फेट है। डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है? मॉर्फिन सल्फेट कितनी? 8 mg स्टेट, उसी टाइम पे देनी है। स्टेट का मतलब क्या होता है? तत्काल, उसी टाइम पे देनी है, ठीक है। कितनी? 8 mg। तो यहाँ पे डी कितनी हो गई? डी कितनी हो गई आपकी? 8 mg, ठीक है। मैंने वापस लिख देता हूँ, डू गुणा वी बटे ए, तो डी कितनी होगी? 8 mg। नेक्स्ट है मेडिकेशन एम्प्यूल रीड्स मॉर्फिन सल्फेट कितनी है पर एमएल में? कितना है? 10 mg। देखिए तो पर एमएल, यहाँ पे सिर्फ एमएल लिखा तो आप एक ही मानोगे, तो वॉल्यूम कितना हो गया? एक। और कितनी है कंसंट्रेशन उसमें दवाई के अंदर? तो वो है 10। तो इसी हिसाब से देखिए आपको क्या करना है, 8 गुणा 1, उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ 1 से, तो 10। तो देखिए 8 में 10 का भाग दीजिए कितना आएगा, वो आपको कमेंट करना है, वो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। ये था आपका ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। जो भी राइट आंसर आया है कैलकुलेट करके आपको ये वीडियो है उसके कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप एम्स के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टाफ नर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको जो भी कोर्स है वो हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगा। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग अकेडमी, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पे जो भी कोर्स सही लगे उसको आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।